स्क्रीन पे हम लोग लास्ट में हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था कि कौन कौन से परसेंटेज कैसी है। अब हम ये बात कर रहे थे कि कैपिटल चार्ज क्या होता है। जब हम कैपिटल चार्ज की बात कर रहे थे तो कैपिटल चार्ज का मतलब क्या होता है? कैपिटल चार्ज का मतलब होता है जितने भी रिस्क हैं उन रिस्क को कवर करने के लिए एटलीस्ट कितनी कैपिटल हमको चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल चार्ज। यानी बिल्कुल इस तरह से जैसे जब आप सिक्योरिटी लेते हैं लोन में, तो लोन में जब सिक्योरिटी लेते हैं तो वो जो सिक्योरिटी है वो उस लोन के अगेंस्ट चार्ज में होती है, यानी वो लोन के लिए ही है। तो इसी तरह जो कैपिटल है जो क्रेडिट रिस्क को कवर करने, यानी क्रेडिट रिस्क का मतलब है जो क्रेडिट यानी कि लोन्स या एडवांसेस में जो डिफॉल्ट या नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई कहाँ से होगी, कितना हमको कम से कम रखना है। ठीक है, ये बात हमने करी थी। और उसके बाद इसके क्रेडिट रिस्क के सारे कंपोनेंट वहां उसने बताए थे, ये इसको लेके चलेंगे। मैं पहले केवल टीयर 1 टीयर 2 के जो कंपोनेंट है उसमें बात कर रहा हूँ। पहले अभी डिजिटल बोर्ड के साथ मजा आता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है। चलो तो ये देखिए एनेक्सर है होने को, तो क्या है एनेक्सर है? इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इसके समझे बिना हमारा बेसिल का कैपिटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और लास्ट क्लास यानी कल वाली क्लास में हमने बताया था कि कैपिटल के टाइप होते हैं। तो यहां ये बोल रहा है कि एनेक्सर टू यूनिट 10। कहने को तो एनेक्सर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी यूनिट 10 खत्म हो चुका है लेकिन उसके साथ उसने सप्लीमेंट्री क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके एनेक्सर में से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। एक जो है सेकंड लास्ट यूनिट है, एक ये यूनिट है, और एक है आपकी अल्टीमेट जेड स्कोर वाली यूनिट। इन 3 यूनिट से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाता है वो। ठीक है, तो यहां बोला एलिमेंट ऑफ सेट 1। कल जब हम कर रहे थे तो सेट 1 एडिशनल टीयर 1, 2 कॉम्पोनेंट थे टीयर 1 के। तो यहां हम पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1, यानी सेट 1 में क्या क्या लेते हैं। सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन, और जब ये न्यूमेरिकल में आएगा तो इन्हीं फिगरों को आप लेकर के सेट 1 में जोड़ेंगे। कहता है इंडियन बैंक के लिए क्या रूल है, और हम इंडियन बैंक का ही पढ़ेंगे, फॉरेन बैंक का नहीं पढ़ेंगे। इसमें फॉरेन बैंक का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है कि भैया सेट 1 होती है कॉमन शेयर पेड अप कैपिटल इश्यूड बाई बैंक विच मीट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन एज कॉमन शेयर फॉर रेगुलेटरी पर्पज। यानी किसी भी बैंकिंग बैंक के लिए जो बिल्कुल कॉमन शेयर है पेड अप कैपिटल, जिनका पूरा पैसा बैंक के पास है कैपिटल के फॉर्म में, पार्टली पेड उसमें कुछ नहीं है, जितना पूरा पूरा है जो बैंक ने लोगों को या अपने आप को शेयर इश्यू कर रखे हैं। दूसरा बोलता है स्टॉक सरप्लस। स्टॉक सरप्लस को समझना पड़ेगा आपको। स्टॉक सरप्लस क्या होता है? जब शेयर की प्रीमियम आ जाती है, शेयर की अलॉटमेंट की फीस आ जाती है, और वो अभी कहीं पर अलॉट नहीं हुए हैं, तो उसको भी आप शेयर शेयर के ऊपर जो प्राइसेस आ जाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि वो भी रिजल्टिंग फ्रॉम इश्यू ऑफ द कॉमन शेयर, कॉमन शेयर इश्यू करने में जो सरप्लस आ जाता है पैसा, उसको भी मान लेंगे। स्टेट्यूटरी रिजर्व, यानी जो आरबीआई गाइडलाइन या कंपनी एक्ट या आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, स्टेट्यूटरी का मतलब किसी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ रिजर्व्स रखने कंपलसरी होते हैं, वो आ जाते हैं। कैपिटल रिजर्व्स रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ प्रोसीड, ये ध्यान रखना, अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट। यानी अगर आप, जैसे मैं सिंपल एक बात बता दूं, आपके पास अभी पीएनबी ने इसका यूज किया था। पीएनबी ने क्या किया था, जब पीएनबी में स्कैम हुआ था वाला मेहुल चौकसी वाला, तो उसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टियां सेल करी थी। तो जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू तो है 2 करोड़, बिक गई वो 2 अरब रुपए में या 20 करोड़ में, तो वो सरप्लस जो पैसा आया वो सीधा सीधा कैपिटल बना और वो आपकी कैपिटल सेट 1 में आ गई। अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व, यानी कुछ ऐसे रिजर्व जो डिस्क्लोज फ्री हैं, यानी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है किस लिए है ये। दूसरा बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंसर। देखो ये कैसे होता है, अगर सपोज कीजिए आपका किसी पर्टिकुलर ईयर में 50 करोड़ का कैपिटल है, और इस पिछले साल तक
और 31 मार्च जो गया वहां पे 5 करोड़ का आपका प्रॉफिट और हो गया, तो आपकी कैपिटल हो जाएगी 55 करोड़, यानी जो पिछले साल के एंड में यानी जो गया हुआ साल है उसमें अगर है तो वो भी वहां पे आ जाएगा। अगला है, बैंक में रिकॉर्ड द प्रॉफिट इन करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर क्रार कैलकुलेशन, यानी ये जो प्रॉफिट है उसको इस ईयर में ले सकता है कैसे, ऑन ए क्वार्टरली बेसिस प्रोवाइडेड द इंक्रीमेंटल प्रोविजन मेड फॉर एनपीए एट द एंड ऑफ एनी ऑफ द फोर क्वार्टर ऑफ द प्रोविजन फाइनेंशियल ईयर हैव नॉट बीन डेविएटेड मोर देन 50-25%। यहां ये कह रहा है कि भैया इस अब आपका साल चल रहा है, उसने कहा पिछले साल, इसको बात को समझ लेना, पिछले साल का तो प्रॉफिट आप ले ही लीजिए, क्या कहता है, पिछले साल का प्रॉफिट तो आप ले ही लीजिए। इसको देखिए, यहां समझाता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज कीजिए 500 करोड़ का आपका, अभी मैं ले रहा हूं 31/3/2020, 31/3/2020 को 500 करोड़ का आपका कैपिटल था और 50 करोड़ का इसी ईयर में आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपका हो गया 550 करोड़, ये तो आप हो जाएगा। अब वो कहता है नया साल यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर के आपका 31/3/21 तक का जो ईयर है उसमें Q1, Q2, Q3 और Q4, सपोज कीजिए अभी जैसे हमारा सेकंड क्वार्टर तक के जो है काम हो गया, तो यहां पे आया आपका 10 करोड़, यहां पे आया 12 करोड़। वो ये कह रहा है कि पर क्वार्टर का भी आप अपनी कैपिटल में दिखा सकते हो, इसको भी दिखा सकते हो, पर उसके लिए उसने शर्त क्या रखी है कि आपके एनपीए के प्रोविजन और 50 करोड़ का इसी ईयर में आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपका हो गया 550 करोड़, ये तो आप हो जाएगा। अब वो कहता है नया साल यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर के आपका 31/3/21 तक का जो ईयर है उसमें Q1, Q2, Q3 और Q4, सपोज कीजिए अभी जैसे हमारा सेकंड क्वार्टर तक के जो है काम हो गया, तो यहां पे आया आपका 10 करोड़, यहां पे आया 12 करोड़। वो ये कह रहा है कि पर क्वार्टर का भी आप अपनी कैपिटल में दिखा सकते हो, इसको भी दिखा सकते हो, पर उसके लिए उसने शर्त क्या रखी है कि आपके एनपीए के प्रोविजन 25% से ज्यादा डेविएट ना हुए हो, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करी हो। अब वहां पे थ्योरी में देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां देखिए उसने कहा है नॉट डेविएटेड मोर देन 25% फ्रॉम द एवरेज ऑफ द फोर क्वार्टर, यानी जो फोर क्वार्टर का एवरेज है उतने जरूर आपने कर लिए हो। द अमाउंट विच कैन बी रिकॉर्ड वुड बी अराइव एट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखो ये क्वेश्चन जो है, जब आपको वहां पे प्रॉफिट अगर दिया होगा इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को क्वार्टर के हिसाब से भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। और इसमें जो ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखिए नीचे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने कहा है एलिजिबल प्रॉफिट अप टू द क्वार्टर टी, क्वार्टर टी का मतलब क्या है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर टी का मतलब क्या है, क्वार्टर का नंबर, तो उसने बोला वेरीज 1-4, फिर बोला उसने अप टू बोला हुआ है ना, अगर मान लिया अभी जैसे हम एग्जाम्पल हमने दिखाया था उसमें 2 क्वार्टर तक था, तो 10 और 12 कितना हो गया, 10 और 12 हो गया आपका 22। कहता है वो आप एलिजिबल ले सकते हैं। अब उसमें फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अप टू द क्वार्टर टी आपने वो लिखा माइनस एवरेज एनुअल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग लास्ट 3 क्वार्टर्स। अब देखो सुन लो इस बात को, आप नए वाले साल में जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, नए वाले ईयर में जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस लास्ट 3 ईयर के डिविडेंड, मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं, यहां देखिए सपोज कीजिए पिछले 3 ईयर में, 3 ईयर में डिविडेंड आपका आया 600 करोड़, ज्यादा हो जाएगा 60 करोड़ का डिविडेंड आया, तो आप क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड कर लो, कितना आया 20 करोड़ आया। तो ये जो 20 करोड़ आपका डिविडेंड पिछले 3 साल में आया, तो ये जो आप ले रहे हैं
इस 20 से ध्यान रखना जरा, सुन लीजिएगा इसको, है तो सुना भाई, अभी हुए हैं कितने क्वार्टर, दो क्वार्टर, तो बोला दो क्वार्टर इंटू क्या करा, 0.25 करा है, इंटू क्या करा है, 20 करा है। अब आप इसको समझिएगा, अगर समझ जाए तो मजा आ जाए, लिख देना। तो ये कितना हो जाएगा बस जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा 10 करोड़। तो आपको क्या करना है, ये जो 22 है, 22 माइनस क्या करना है, 10 करना, यहां लिखना है आपको 12, ये आप 12 लाएंगे यहां पर। जल्दी से बताइए, समझ में आया नहीं आया? अरे अमित कुमारी, सारी क्लास अच्छी हैं, सारी क्लास अच्छी हैं, प्लीज क्लास में बने रहिए। कल स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था, इसलिए बहुत इजी लगा होगा। जहां हम कह रहे हैं कि 40 मार्क्स तक बेसल दे सकता है, कहीं ना कहीं बेसल का मतलब रिस्क और बेसल कुल मिला के 40 मार्क्स दे सकता है, तो आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। वैसे भी ये क्लास एक दिन बाद हम ऑफ कर दे रहे हैं। चलो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो ये जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े, उन पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये पढ़ा कि जो भी आपकी कैपिटल थी, उस कैपिटल में उस ईयर का जो भी प्रॉफिट आया है उसको ऐड कर लीजिए। यानी आप कहेंगे बेसल से, क्या कहेंगे कि भैया 550 करोड़ रुपए, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात है, पेज नंबर 259 है, लेकिन अभी आप यहां देखिए पहले। तो ये बात समझ में आ गई, ये पॉइंट समझ में आ गया पहला वाला, कि आप 550 करोड़ तक की कैपिटल आप अपने आप को अनाउंस कर सकते हैं, आरबीआई को कह सकते हैं कि हमारे पास 550 करोड़ है। क्योंकि हमारी लड़ाई कल से ही ये चल रही है कि कैपिटल लाओ, कैपिटल लाओ, बताओ कितनी कैपिटल है। अब उसने कहा कि इस करंट ईयर में जो ईयर चल रहा है, उसने क्या कहा, जो ईयर चल रहा है, तो ईयर कौन सा चल रहा है आपका, ये चल रहा है करंट। अगर आप सीक्वेंशियली पूरे लेक्चर मेरे देखते हैं तो आप बेसल में पीएचडी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और जिसको नहीं देखना, बुक पढ़े, अपनी तैयारी करे, दिन का समय आपके लिए है, ठीक है। हाँ जी, एक दिन के लिए है, ये प्राइवेट हो जाती है, मेंबर्स के लिए हो जाती है क्लास, 24 घंटे बाद हमने करी है, ठीक। तो करंट ईयर, करंट ईयर में पहला क्वार्टर Q1 में 10 का फायदा हुआ, Q2 में 12 का फायदा हुआ। तो ये कह रहा है ये जो 12 और 10 यानी 12 और 10 मिला के 22 को आप नहीं लेंगे। वो ये कहता है कि जो आपने लास्ट 3 ईयर में डिविडेंट दिए हैं, एवरेज कितने दिए, मैंने बोला 60 करोड़ दिए, कितने साल में दिए, 3 में, तो एवरेज कितना आ गया 20। कह रहा है इसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये मान लेना कि ये डिविडेंड तो बटने वाला है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं, वो कह रहा है कि इस साल का भी प्रॉफिट ले लो, मान लेता हूं आपके पास कैपिटल है, लेकिन इस साल होने वाले जो भी डिविडेंड के पे आउट प्रोबेबल है उनको माइनस करना, तभी प्रॉफिट को अपनी कैपिटल में जोड़ना। और उसको जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला बताया उसने, बुक में देखिए, 0.25 इंटू टी, टी का मतलब नंबर ऑफ क्वार्टर, इंटू डिविडेंड का एवरेज। तो इस तरह से करेंगे तो 10 आ रहा है, यानी आपका जो इस बार का कैपिटल है रेडी कैपिटल, वो कितना हो जाएगा, 560। कुछ लोगों को और भी समझियो, हाँ 0.25 क्यों किया है, 0.25 को भाई एक क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते तो एक क्वार्टर मीन्स 25% ना। पप्पू कुमार जी, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं उससे बहुत याद होने वाले हैं, ठीक है। आप अकेले एकांत में नहीं पढ़ रहे हैं, आप चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा में चीजें याद रहती हैं भाई। कुछ लोगों को समझ में आ गया तो बोल दे, और नहीं तो फिर आप इसको दोबारा देख लीजिए प्लीज। मैंने बार बार बोला है, क्लास में बैठे होते तो हम पेन से समझा देते आपकी कॉपी में, लेकिन ही आगे बढ़ते हैं भैया। चलो तो अभी यहां पे देख लिए, बिल्कुल साफ साफ आ गया है, बिल्कुल वही चीज है जो अभी वहां पीछे बताई थी। उसने बोला डिविडेंड, उसने बोला 25%, उसने बोला नंबर ऑफ क्वार्टर, और ऊपर बोलता है अप टू द क्वार्टर। बिल्कुल सिंपल, ऐसा कुछ, ऐसा एग्जांपल कौन सी बुक में दिखा रहे हैं, कौन से चैनल वाले समझा रहे हैं,
चलो आगे जाते हैं। हाँ जी 260 पेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ बुक्स में, कुछ आप जो एमसीक्यू कर रहे हैं दुनिया भर के, उस बुक्स में ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है। ध्यान रख लीजिए कि ये चीज रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब पहले जो था टीयर टू में आता था रिवैल्यूएशन रिजर्व को, अब टीयर वन के सेट वन में ले लिया गया है। और ये ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन रिजर्व एट डिस्काउंट 55 का मतलब समझो, ऐसा समझाऊंगा अब आपको ही मजा आएगा। सुनिए, कल कहते हैं ना मजा नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है कि अपने अपने बैंक की जो मेन ब्रांच है, पुरानी बिल्डिंग वाली, 50 साल पुरानी बिल्डिंग वाली, उसकी बुक वैल्यू देखिए। पता लगा उसकी बुक वैल्यू है 1 लाख, लेकिन जब बेचने गए, सेल करने गए, तो पता लगा 1 करोड़ की है। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। लेकिन आप लोग रीवैल्यूएशन क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि रीवैल्यूएशन करोगे तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यानी 99 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, वेल्थ टैक्स। इसलिए आप रिवैल्यू नहीं करते, बुक वैल्यू दिखाते रहते हैं। लेकिन जिसकी हालत खराब है, जिस बैंक की कैपिटल के लिए मारा मारा फिर रहा है, उस बैंक के लिए ये जरूरी हो जाता है कि चलो मैं यही कर लूं। और जब आपके वहां सीसी लिमिट कोई लेने आता है तो कहता है कि साहब एक पुस्तैरी मकान है शहर के चौराहे पर, कितने का लिया था? वो साहब कहता है 2500 रुपए का लिया था 60 साल पहले। लेकिन आपको तो 2500 का नहीं बताता ना वो, आपको कहता साहब 2 करोड़ का मकान है मेरा। आप तुरंत लिखते हैं उसकी एसेट में 2 करोड़ रुपए, क्योंकि आपको कोई टैक्सेशन नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो भैया सीए सर्टिफाइड लेके आओ, तो सीए बोलता भैया मैं सर्टिफिकेट तब दूंगा जब टैक्स भरोगे। तो वो ये कह रहा है बैंक, अगर आपके पास कोई ऐसे एसेट्स हैं जिनका रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं आप, तो रिवैल्यूएशन वाले एसेट में 55% का डिस्काउंट। इसका मतलब जो ये 1 करोड़ है, ये 1 करोड़ नहीं लेंगे आप कितना लेंगे? 45। ध्यान रखना, माइंड इट, बहुत लोग फंस जाते हैं इसे समझाने में। जो कह रहा ब्लर है भैया अपना वो पिक्सल्स बढ़ा दो, एग्जाम टाइम है, खूब सारे वो करके लेके आओ, डेटा लेके आओ। चैप्टर नेम बेसिल चल रहा है, बेसिल की सीरीज चलेगी 3 दिन तक, जबरदस्त। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला बोलता है वाइल कैलकुलेटिंग। जितने लोगों ने इस बार जेआईबी पास किया, वो ये जो अभी मैंने 8 नंबर पॉइंट वो किया था उस पर ध्यान रखें। वो 8 नंबर पॉइंट उनकी बुक में टीयर टू में दिया हुआ है, अभी सही कर लीजिए। अगला बोलता हूं वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एडिक्वेसी एट कंसोलिडेटेड लेवल, कॉमन शेयर इश्यूड बाई द कंसोलिडेटेड सब्सिडरी ऑफ बैंक एंड हेल्ड बाई थर्ड पार्टी विच मीट लेट डाउन क्राइटेरिया एंड। अब क्या कह रहा है, जब वो आप कैपिटल एडिक्वेसी की बात करते हैं तो आप कंसोलिडेटेड, यानी कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं, आपकी खूब सारी जो है सब्सिडरी हैं, उसमें भी आपने कुछ शेयर इश्यू कर रखे हैं बैंक को, बट एंड हेल्ड बाई थर्ड पार्टी, यानी आपने शेयर अलॉट कर रखे थर्ड पार्टी के पास है वो, विच मीट लेट डाउन क्राइटेरिया, यानी उनको भी आप ले सकते हैं। आप ये मानिए वो भी आपकी ही कैपिटल है, क्योंकि उन लोगों ने दे रखी है। कौन सा बोला? माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों को। यानी आपका जो हिस्सा है उसके अलावा वो जो उन लोगों ने लगा रखा उसको भी आप ले सकते हैं, ये मानते हुए कंसोलिडेट लेवल पे। जब देखो बेसिल की रिपोर्ट बैंक की नहीं जाती है, पूरे बैंक के ग्रुप की जाती है। स्टेट बैंक का एग्जांपल, स्टेट बैंक का एक ग्रुप है जिसमें स्टेट बैंक भी है, उसकी सब्सिडरी है बहुत सारी, फैक्टरिंग की है, इस तरह की बहुत सारी सब्सिडरी है, ठीक है? ठीक, अगला क्या बोलता है लेस, सुन लेना बात को ध्यान से, लेस रेगुलेटरी एडजस्टमेंट डिडक्शन अप्लाइड इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल। इसने बोल दिया भैया रेगुलेटरी एडजस्टमेंट का मतलब, जो आरबीआई ने बोल दिया भैया उतना पैसा आप कहने लग जाओ कि 5 करोड़ की कैपिटल है, उसमें कहता है कि 5 लाख तो उस काम के लिए रख दो, अब बताओ कितनी है, इस तरह से कुछ। तो मैं फॉरेन बैंक को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। ये जो नीरव शाह जी है,
हमने 0.25 के बाद इंटू टू भी किया था, ध्यान से देखिए, टू का मतलब है टू क्वार्टर, अरे बाबरे निशान जी ने तो मेरे को बहुत जिम्मेदार बना दिया, इतना खर्चा कर दिया। चलिए जी, सेट वन हो गया, अब आते हैं हम टीयर वन पे। इस क्लास के बाद आप जो भी न्यूमेरिकल करेंगे वो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। पुराने न्यूमेरिकल मत करना, आप मुझसे लड़ाई करोगे, क्योंकि अभी बुक में मार्केट में 5-5 साल पुरानी बुकों के न्यूमेरिकल आप लेके बैठे हुए हैं। चलो आगे, एलिमेंट ऑफ, अभी तक हमने सेट वन की बात करी, अब हम कर रहे हैं एडिशनल 81 की। क्या बोलता है वो? बोलता है एडिशनल टीयर वन कैपिटल विल कंसिस्ट सम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। क्या बोलता है पहला एलिमेंट? कहता है पीएनसीपीएस। क्या बोलता है? पीएनसीपीएस, ठीक है। पीएनसीपीएस परपेचुअल, जो कभी खत्म ना हो, नॉन क्यूमुलेटिव, जिसमें एक्रूड ना हो कोई भी डिविडेंड वगैरह, ऐसे प्रिफरेंसेस शेयर, यानी उसको भी ये प्रिफरेंसेस शेयर जो होते हैं उसको आप सेट वन में नहीं लेते हैं, ठीक है। यहां पे बोल रहा है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंसेस शेयर आप यहां लेंगे विच कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जहां भी लिखा हुआ, इसका मतलब जो आरबीआई ने आपको बोला हुआ वो ले लीजिए। दूसरा बोलता है स्टॉक सरप्लस। कौन से स्टॉक सरप्लस? रिजल्टिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड इन एडिशनल टीयर वन। अब ये देखो, यहां जो बोल रहा है कि ये ऊपर वाले की बात मैं करता हूं, अगर पीएनसीपीएस उसने इश्यू करे हुए हैं तो जैसे स्टॉक सरप्लस पेड अप में आ रहा था, यहां देखिए, यहां पहली लाइन देखिए, वो कहता है कॉमन शेयर पेड अप इक्विटी केवल, प्रिफरेंशियल शेयर अलग होते हैं, इक्विटी शेयर अलग होते हैं। तो यहां पर तो केवल उसने इक्विटी शेयर की बात करी और यहां पर बात कर रहा है प्रेफरेंशियल शेयर की। प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं, उस प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं उसके स्टॉक सरप्लस को आप लेंगे। दूसरा बोलता है डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत सारे, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पीडीआई बोलते हैं इन्हें, एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन एडिशनल, ये परपेचुअल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, देखो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट भी कैपिटल में काउंट होते हैं, वो वाले डेट इंस्ट्रूमेंट जो कैपिटल की तरह काउंट होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। एनी अदर टाइप इंस्ट्रूमेंट जनरली नोटिफाइड आरबीआई, कुछ भी कह दे इसमें कोई बात नहीं है। व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एडिशन, वो कंसोलिडेट लेवल पर आपको वही काम करना है जो आप पहले ऊपर कर रहे थे, और लेस रेगुलेटरी कैपिटल। बात समझ में आ गई? ये हमने क्या पढ़ा जरा बता सकते हो? हमने सेट वन पढ़ लिया, एडिशनल टीयर वन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कौन से एलिमेंट ऑफ टीयर टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को क्लास बोरिंग लग रही है उनको जो है कोशिश करनी चाहिए, अपना सेल्फ स्टडी करें, नहीं तो अगले बार आप हमारे इन लेक्चर को सुन लीजिएगा। आपको सीखना पड़ेगा, आप जीआईबी नहीं दे रहे, आप सीआईबी दे रहे, आपको सीखना पड़ेगा ये क्या चीज है, ठीक है। अपने आसपास बता देना कि कितने सीआईबी वाले ऐसे हैं जो कह रहे साहब मैंने तो पढ़ा नहीं और मैं से सीआईबी हो गया। कुछ लोग कह भी देंगे तो आप समझ लेना ये झूठ बोला, चोरी चोरी खूब पढ़ा इसने, समझ गया नहीं समझ गया, जी जान लगा देते हैं, इतनी जी जान लगा दे तो पीसीएस बन जाए हम। चलो, अंडर बेसिल थ्री देयर विल बी अ सिंगल सेट ऑफ क्राइटेरिया। आप क्या बोला? बेसल थ्री के लिए सिंगल सेट ऑफ क्राइटेरिया है, क्या है? ऑल टीयर टू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलता है इंडियन बैंक के लिए? क्या बोलता है? बोलता है जर्नल प्रोविजन। अब देखो, प्रोविजन और लॉस रिजर्व जो भी आप एनपीए वगैरह वगैरह के करते हैं वो सारे टीयर टू में आते हैं, क्योंकि उनके चांसेस हैं कि उनका यूज आप नहीं कर पाएंगे, संभवतः प्रोबेबल है कि वो लोन में डूब ही जाना है, ठीक है। आगे बात आती है, अच्छा मैंने कोई गलती कर दी लग रहा है। विक्रमजीत जी बोलते हैं 550 प्लस 12 562, मैंने कुछ और लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, क्षमा कीजिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो गई होगी मान लेता हूं मैं, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। तो क्या था, प्रोविजन और लोन लॉस रिजर्व हेल्ड अगेंस्ट फ्यूचर प्रेजेंटली आइडेंटिफाई, मतलब कोई भी ऐसे लॉस जो फ्यूचर में होने वाले हैं आज आइडेंटिफाई कर लिए, विच आर फ्रीली अवेलेबल टू मीट लॉसेस विच सब्सिक्वेंटली मेटलाइज विल क्वालिफाई फॉर इंक्लूजन विद इन टीयर टू कैपिटल। बात क्लियर हो गई। जनरल प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड असेट पे भी जो प्रोविजन होता है वो भी यहीं पे आ गया, फ्लोटिंग प्रोविजन हो गया, इंक्रीमेंटल प्रोविजन हो गया, ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें आती हैं। प्रोविजन हेल्ड फॉर कंट्री एक्सपोजर वो भी इसमें है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट वो भी इसमें है, एक्सेस प्रोविजन विच आर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एनपीए के अकाउंट करने में एक्सेस, काउंटर साइक्लिकल प्रोविजन बफर भी इसमें आ गया, विल क्वालिफाई फॉर इंक्लूजन टीयर टू कैपिटल। ठीक है, हाउएवर, अब देखो ये बात हाउएवर बड़ी खतरनाक बात होती है भैया, लॉ की भाषा में हाउएवर बहुत खतरनाक भाषा होती है। हाउएवर दीज आइटम टुगेदर विल बी एडमिटेड एज टीयर टू कैपिटल अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.25 ऑफ टोटल क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, अभी मैं बताता हूं इसको क्या होगा। कहता है कि जो आपका क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट है, क्रेडिट क्रेडिट का आरडब्ल्यूए जो है उसका आप 1.25%, मैं करके बताता हूं, न्यूमेरिकल का पार्ट है लेकिन आपको खुश करने के लिए मैं यही बताता हूं। कोई ये तो नहीं कह रहा सर न्यूमेरिकल कराओ, यही न्यूमेरिकल ही तो है भैया। यहां देखिए ऐसा है, आरडब्ल्यूए की कहानी चल रही थी। आरडब्ल्यूए क्रेडिट रिस्क के लिए भी होता है, मार्केट रिस्क के लिए भी होता है और ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी होता है। अगर आपको ध्यान होगा तीनों को जोड़ा जाता है, ऐड करा जाता है। मान लिया आरडब्ल्यूए जो है रिस्क वेटेड एसेट क्रेडिट रिस्क के लिए आ गया आपका 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपी आ गया। तो आप इस 12,000 करोड़ का इंटू 1.25% करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। अब आपने 1.25% किया तो कितना आ गया, 120 इधर हो गया और 30 वो आया, 150 आ गया, ठीक है? यानी आप टीयर टू में जो प्रोविजन जितना, अब उसने बोला था प्रोविजन, सुन लेना बात को ध्यान से, न्यूमेरिकल जिन्होंने किया उनका चैलेंज है यहां पर, जिन्होंने इसका न्यूमेरिकल सीख लिया किसी भी चैनल से वहां चैनल कर रहे हैं। उसने कहा साहब मेरे पास प्रोविजन है 400 करोड़, ठीक है? तो वो कहता है कि आपकी लिमिट मैक्सिमम इतनी ले सकते हैं आप, इसका मतलब 400 में से आप 150 सॉरी 400 में से केवल 150 लेंगे। तो जब आप अपनी कैपिटल निकालने हो, आपको क्या निकालनी है, सेट वन निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, एडिशनल टीयर वन निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, टीयर टू निकालनी है। तो टीयर टू में इस वाले क्वेश्चन में कितना लेंगे आप, मैक्सिमम 150 लेंगे, चाहे आपके पास दुनिया भर का प्रोविजन रखा हुआ है। क्लियर, जल्दी से बताइए, क्लियर? बोलिए, कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ आवाज नहीं है। आशीष अग्रवाल जी को क्लियर हुआ, वाई 1.25, बिकॉज प्रोविजन में दिया गया है, रूल्स में दिया गया है। तीन लोगों को क्लास अच्छी नहीं लगी, वो क्लास छोड़ के जा चुके हैं। हाँ कुछ भी बोलते हैं, टी टू कैपिटल इज 2% ना, अरे भाई वो 2% पूरा करने के लिए, अब इनका भी मैं जवाब देता हूं। चलो इन्होंने एक देखो, सुनो मेरी बात भैया, मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं यहां पे, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि एक बैंक की क्वेश्चन क्या है। बैंक क्लेम कर रहा है, बैंक क्लेम कर रहा है मेरे पास 10 ये है, 2 ये है और
1.5 ये है, और यहां पर कहता है ये क्रोर है, परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर है 2.5, ये क्रोर है, परसेंटेज नहीं है, क्रोर, ठीक है। तो यहां पर उसने बोला है T2 कैन बी मैक्सिमम 2%, T2 कैन बी मैक्सिमम 2%। तो 2% का क्या है, अगर 5.5% ये है सेट 1 है तो ये कितनी हो सकती है 2%, 1% अगर है तो 2/5.5, लेकिन यहां तो कितनी लेके आया है, 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ का परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए आप, इसको हम ये मान लेते हैं कि इसका जो है पूरा जो टोटल ओवरऑल कैपिटल है वो है हमारा 100 है मान लिया, तो 10% 2/5.5 × 10, तो इससे जो निकलेगा उस कंडीशन में यहां पर ये परसेंटेज जो होगी इसके अकॉर्डिंग बढ़ सकती है, ठीक है, किसके सेट वन से कंपेयर करते हैं हर बार। और ये जो 2% लिखा हुआ है इसको मैं ये बोलता हूं ये 2% फैक्टर है। जैसे मैं बोलूं कि जरा इसको सुनिएगा इस बात को कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ में से 25% कितना हुआ, 25 करोड़ हो गया। अब 25 में से 5 करोड़ कितना हुआ, 25 में से 5 करोड़ बोलेंगे तो दो डेफिनेशन आएंगी, कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो 25% है, कुछ लोग कहेंगे 5% है। तो हमेशा जो कंपैरिजन है वो ओवरऑल में से होता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, समझाते समझाते बहुत देर कर दी, चलो। अब वो एक बात और बोला अंडर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच, तो हमने कल ध्यान है कि जब हम क्रेडिट रिस्क का निकाल लेते कैपिटल तो 1, 2, 3 अप्रोच पड़ी थी, सबसे पहली वाली स्टैंडर्डाइज अप्रोच पड़ी थी। अंडर इंटरनल रेटिंग बेस अप्रोच वेयर द टोटल एक्सपेक्टेड लॉस अमाउंट इज लेस देन टोटल एलिजिबल प्रोविजन, बैंक में रिकॉग्नाइज द डिफरेंस एट टीयर टू कैपिटल अप टू मैक्सिमम। देखो सुन लेना बात को ध्यान में, कहता है भैया अगर आप सीधा सीधा काम कर रहे हैं तो 1.25% तक ले ले, लेकिन अगर आप, आपने पता है जो थर्ड वाली अप्रोच थी वो IRB अप्रोच थी, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच थी, उस पे दो सेकंड और थर्ड जो थी उस पे अगर निकाल लें तो वेयर द टोटल एक्सपेक्टेड लॉस अमाउंट इज लेस देन टोटल एलिजिबल, यानी आपका प्रोविजन है 50 करोड़ और लॉस होने की संभावना है आपको 10 करोड़ की, कितने की, 10 करोड़ की। अगर लॉस होने की संभावना आपकी 10 करोड़ की है तो आपको ये बोलना है कि वो जो 50 करोड़ का आपका प्रोविजन है वो ले सकते हैं, लेकिन 0.6% ऑफ द क्रेडिट रिस्क वेटेड ऑफ आयर, यानी जो यहां पे 1.25 था वो यहां पे 0.6 हो जाएगा। इससे क्लियर मेरे बस की बात नहीं है इस लाइव क्लास में समझाना। ओहो ये गलती उस दिन भी हो गई थी मुझसे, हाँ जी फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, थैंक यू। हाँ तो यहां ये बोल रहे हैं कि 1.25 तो है किसके लिए, अगर आपने स्टैंडर्डाइज अप्रोच से निकाला, और अगर आप IRB अप्रोच से निकालेंगे, अगर आप IRB अप्रोच से निकालेंगे तो आपको टीयर टू मैक्सिमम अपने उस प्रोविजन का कितना ले सकते हैं, 0.6% ऑफ द वही रिस्क वेटेड एसेट, लेकिन कब, जब आपका जो प्रोविजन है वो है आपके लॉस से ज्यादा, या कह सकते हैं कि आपका लॉस प्रोविजन से कम है, टोटल एक्सपेक्टेड लॉस इज, ठीक है, IRB कौन सा मेथड है, कल मैंने क्लास में बताया था 3 मेथड थे, ठीक है आगे बढ़े भाई। पेज नंबर हम बता तो रहे हैं, स्क्रीन पे भी आ रहा, पेज नंबर हमारा 261 चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, कुछ लोग छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 7 मार्क्स दे सकता है संडे को। चलो आगे, प्रोविजन एस्क्राइब्ड टू आइडेंटिफाइड डेटरेशन ऑफ पर्टिकुलर एसेट फॉर लोन लाइबिलिटीज वेदर इंडिविजुअल और ग्रुप्ड शुड बी एक्सक्लूडेड।
अकॉर्डिंगली फॉर इंस्टांस स्पेसिफिक प्रोविजन एनपीए बोथ इंडिविजुअल अकाउंट और पोर्टफोलियो लेवल प्रोविजन इन लियो ऑफ द डिमिन्यूशन इन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इन द केस ऑफ रिस्ट्रक्चर एडवांसेस प्रोविजन अगेंस्ट, यानी सीधी सीधी बात में करूं, जो प्रोविजन है आपके कौन से वाले अकाउंट में, उसने बोला जो आपके पोर्टफोलियो या इंडिविजुअल लेवल पे स्पेसिफिक प्रोविजन आपने किए हुए हैं उन अकाउंटों के प्रोविजन को आप इसमें टीयर टू में ले सकते हैं। अगला है डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक। बैंक भी क्या है, डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, डिबेंचर इशू करता है, उसको ले सकते हैं। प्रिफरेंशियल शेयर, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर पीसीपीएस, और क्या है दूसरा, रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर। देखो इस वाले केस में आप ध्यान रखना, इनके नाम केवल याद रखो, वहां पर ऐसा ही लिखा आएगा, क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टॉक सरप्लस आप टीयर टू में ले सकते हैं, कौन सा, इस वाले का। देखो जब भी ये बात आ रही है शेयर कैपिटल वाली, जैसे पहले वाले में सेट वन में हमने पढ़ा था कि जो सेट वन की एडिशनल है, पहले वाले में हमने ये पढ़ा था, देखो सेट वन की एडिशनल स्टॉक सरप्लस, फिर हमने दूसरे में पढ़ा डेट इंस्ट्रूमेंट की सरप्लस, यहां पढ़ा देखो ये वाला, तीसरे वाले में फिर पढ़ रहे हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो जिसके नाम क्या लिखा हुआ ना, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर बोला है या आरएनसीपीएस बोला, कुछ भी बोला उसके लिए, ठीक है। स्टॉक सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड टीयर टू कैपिटल। भैया मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी क्लास छोड़ के मत जाओ प्लीज, मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा फिर। ये समझ लेना कि मेरी वजह से फेल हो गए, कह देना मैं तैयार हुए कहने पे, अगर ये पढ़ाया हुआ नहीं आएगा तो। वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एडिक्वेसी एट द कंसोलिडेटेड लेवल, टीयर टू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाई कंसोलिडेटेड सब्सिडरीज और बैंक एंड हेल्ड बाई थर्ड पार्टीज विच मीट द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द टीयर टू कैपिटल। क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा क्राइटेरिया, थर्ड पार्टी की कोई भी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो भी टीयर टू का कैपिटल का क्राइटेरिया, उनको ले लो। ये बहुत मतलब एक तरह से लिटरेरी या फिलोसफिकल बात है। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी जो आरबीआई ने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बोला, फिर बोला लास्ट में लेस रेगुलेटरी। तो ये मैंने आज आपका कवर कर दिया भैया, टाइप ऑफ कैपिटल के या कैपिटल के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, इन पे बेस हमारा होता है न्यूमेरिकल, इन पे बेस होता है न्यूमेरिकल, ठीक है। पेज नंबर जो चल रहा है, आशुतोष जोशी बोल रहे भाई वो आता है, देखो हाँ, यहां मकसूद खान जी बोलते हैं डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट टीयर वन और टीयर टू दोनों में। देखो डेट कैपिटल के नाम पढ़ो भाई, देखो यहां डेट कैपिटल जो है ये टीयर टू में बोलता है डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द बैंक्स, और इधर बोलता है देखो टीयर वन में बोलता है इसका नाम दिया हुआ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, पीडीआई बोलते हैं उसको। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी नहीं है तो समझ लो शेयर कैपिटल ही है, वो अच्छी टाइप की कैपिटल है। क्लियर हो गया मकसूद खान जी? संदीप चटर्जी ने पूछा हुआ है आईआरबी फाउंडेशन और एडवांस दोनों के लिए बोला हुआ उसने। अच्छा इन्होंने बोला है, सबाना जी ने जो बोला हुआ सबॉर्डिनेट, देखो इंडिया में सबॉर्डिनेट का वो प्रचलन नहीं है, तो इसलिए कहीं पे भी इंडिया में बेसल में सबॉर्डिनेट डेट की ज्यादा बात नहीं करी है। ये एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा चलते हैं, इसलिए इसका जिक्र यहां पर नहीं किया हुआ है। हाँ ये बिल्कुल है सालनी जी, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, ये यानी जो अभी की क्लास हुई है, हो सकता है अगर आप पढ़ पाए और आपके पास कोई टू सर की वर्कबुक एक्सरसाइज है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर इंटरनेट में कुछ मिल रहा है, किसी चैनल में कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उसका रिवीजन आप इस क्लास से करिएगा। हाँ इन्होंने पूछा है सालनी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो सिंपल आएगा, पी जैसे यही लिखा हुआ पी एन सी पी एस इज इंक्लूडेड इन, तो उसमें लिखा जाएगा सेट वन, उसमें लिखा टीयर वन, इसमें लिखा हुआ टीयर टू, उसमें लिखा हुआ टीयर थ्री, तो आपको बताना होगा किसमें, या आउट ऑफ दीज विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कम अंडर टीयर वन कैपिटल, ऐसा करके ये चारों ऑप्शन दे देगा शुरू के उठा के।
इसमें से एक वाले को थोड़ा सा चेंज कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अच्छा, या इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा कि वो लंबी चलेगी।